जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 53 का पार्ट सेकंड सीखेंगे, प्रश्न वाली 10.2 का सवाल सीखेंगे। प्रश्न नंबर कौन सा वाला सीखेंगे अपन? सातवां वाला सवाल ये सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डेक्स लेके डे 52 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ऊपर आ जाएगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना आपसे क्या बोला है। जब दो व्यक्तियों के मान दे रखे हैं, जब दो व्यक्ति को मान दे रखे हैं तो समझ जाओ उसमें क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा और पायथागोरस प्रमेय के द्वारा की हेल्प से आप सवालों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, अपन समकोण त्रिभुज अपन बनाएंगे जो प्रश्न अपन से बोला है, फिर आसानी से अपन सवालों को हल कर सकते हैं। आपसे बोला है दो संकेंद्रीय है, क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या। कितने संकेंद्रीय वृत्त हैं? दो वृत्त हैं। संकेंद्रीय मतलब वृत्त होता है, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त के अंदर वृत्त। कितने वृत्त हैं? दो वृत्त हैं। एक बनाया मैंने पहला वाला वृत्त, एक बनाया मैं दूसरा वाला वृत्त। ये दोनों वृत्त क्या होगा, संकेंद्रीय होगा। फिर आपसे बोला था बड़े वृत्त की उज्जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उज्जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा। ये कौन सा वृत्त है? बड़ा वृत्त है ये, बड़े वृत्त की जीवा है। कौन सी जीवा है? बड़े वृत्त की जीवा है की लंबाई ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी मानी अपन ने? ए बी मानी। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी मानी अपने? ए बी मानी। आपको ये ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब का स्पर्श मतलब होता है वृत्त रेखा क्या हो, टच हो। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही? छोटे से स्पर्श कर रही है क्या? हाँ कर रही है सर, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। आपसे बोला था कि वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़ा वृत्त कौन है? ए और बी। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है मतलब होता है छोटा वाला वृत्त से रेखा क्या हो, टच हो। तो वृत्त से रेखा क्या है? टच है। फिर आपसे बोला था त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज इस साइड बनाओ चाहे उस साइड बनाओ बात बराबर है। यह आपने कौन बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया है। यह आपने कौन बनाया? समकोण त्रिभुज। केंद्र क्या नाम देते हैं? ओ। केंद्र क्या नाम देते हैं? ओ। यहां ए नाम दिया, यहां बी नाम दिया, वचे को कौन दे देंगे अपन? सी नाम। कौन दे देंगे? सी नाम। ये कौन होता है? समकोण त्रिभुज। अब दो त्रिज्या बोली है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो तीन व्यक्ति होते हैं आप सब लोग जानते हो। ये कौन होता है? कर्ण होता है, ये लंब होता है और आधार होता है। अब कैसे पता करें कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का रखें और 3 सेंटीमीटर का रखें? सबसे बड़ी कौन होती है? त्रिज्या कर्ण होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण। कर्ण के बाद कौन होता है? लंब। सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण। कर्ण के बाद कौन होता है? लंब होता है। तो 5 और 3 में बड़ा कौन है? 5 है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बड़ा कौन है? 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण कौन लिख देंगे हम? 5 सेंटीमीटर, क्यों? कर्ण का मान क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये रूल्स होता है समकोण त्रिभुज में। फिर कौन है? 3 सेंटीमीटर है। फिर कौन? 3 सेंटीमीटर। छोटा कौन सा होता है? लंब। ये कौन होता है? लंब। लंब कितना रखा है? 3 सेंटीमीटर। लंब कितना रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण मान लिया 5 सेंटीमीटर, लंब मान लिया अपने 3 सेंटीमीटर। आपको बना के दिखा देता हूं मैं। ये इसको बोला जाता है कर्ण, इस साइड बोला जाता है लंब। लिखना नहीं है आपके लिए, ये समझाने के लिए। और नीचे बोला जाता है आधार। तो आपको आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ओ सी बी। तो वो जीवा की लंबाई याद करनी थी। जीवा की लंबाई कौन थी? ए बी थी। कौन थी? ए बी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से का मान निकाल सकते हैं। इस वाले का हिस्से का मान निकाल लेंगे, जो इस वाले हिस्से का मान आएगा वो इस वाले हिस्से का मान आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ओसी लंब दे रखा है 3, ओबी दे रखा है 5, तो हमें बीसी का मान निकालना है। जो इसका मान आएगा वही इसी का मान आएगा। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा की लंबाई पूरी कौन सी है? ए से लेकर बी तक की। तो अभी हम कौन सा समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं? बीसी का मान निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना। लिखोगे माना कि, क्या लिखोगे? माना कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की तरह जाए, दो संकेंद्रियों, दो संकेंद्रियों
व्रतों की तरफ जाएं, व्रतों की दो संकेंद्रीय व्रतों की तरफ जाएं, दो संकेंद्रीय व्रतों की तरफ जाएं। तो व्रत त्रिज्या कौन कौन सी मानी है? ओबी कितना माना है आपने? 5 सेंटीमीटर। ओबी बराबर क्या माना है आपने? 5 सेंटीमीटर तथा, और दूसरी अब त्रिज्या कौन मानी है? ओसी। ओसी कितना माना है? 3 सेंटीमीटर। ओसी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब बोला था बड़े व्रत की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे व्रत को स्पर्श करती है। तो हम लिख देंगे बड़े व्रत की जीवा की लंबाई, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई, लाइन लिख देंगे अपन, जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है, जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है, जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। कौन लगाएंगे? समकोण त्रिभुज लगाएंगे। और समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण किससे बन रहा है? सी पर। सी कहाँ आएगा? बीच में। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ओ सी और वी। अब कॉमा लगाओ, समकोण त्रिभुज ओ सी बी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ सी वी में, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है? आधार का वर्ग। अब आगे देखो, इनके मान रख दो बस। ये कौन है? कर्ण है। कर्ण का नाम देखो, नाम क्या है? पहले कर्ण का नाम क्या है? ओबी। कर्ण का नाम क्या है? ओबी। तो हम कर्ण कौन लिख देंगे? ओबी। कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। लंब, तो देखो लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है? जी लंब। लंब का नाम कौन है? ओसी। लंब का नाम कौन है? ओसी। तो लंब कौन लिख देंगे हम? ओसी। कितनी बार? 2 बार। प्लस का? प्लस। आधार, तो नीचे वाले आधार का नाम कौन है? बीसी। आधार का नाम कौन है? बीसी। तो आधार कौन लिख दोगे आप? बीसी। कितनी बार? 2 बार। इनके मानों को आसानी से रख दो। ओ बी, तो ओ से लेकर बी तक का मान कितना है? 5। ओबी का मान कितना है? 5। और ओसी का मान कितना है? 3। ओबी का मान 5 है, ओसी का मान 3 है, बीसी आपको ज्ञात करना है। ओबी का मान कितना है? 5। कितनी बार? 2 बार। ओसी का मान कौन था? 3। कितनी बार? 2 बार। बीसी आपको ज्ञात करना था। इसका खोल दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 3 2 3 9। प्लस बीसी स्क्वायर। 25 का आपके पास कौन है? 25 है। ये आगे चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं। 9 प्लस वाला स्क्वायर किस में आएगा? माइनस में। बराबर में कौन चल रहा है? बीसी स्क्वायर। तो अगली लाइन में पीछे कौन लिख दूंगा मैं? 25 माइनस 9 कौन होता है? 16। बराबर बीसी स्क्वायर। 16 बराबर बीसी स्क्वायर, या करके बीसी स्क्वायर कहां जाएगा? आगे। और 16 कहां पहुंच जाएगा? पीछे। तो बीसी का मान आपको ज्ञात करना है। बीसी बराबर 16 का 16। स्क्वायर वाला कहां पहुंच जाता है? स्क्वायर रूट पर, यानी वर्ग वाला कहां पहुंच जाएगा? वर्ग मूल पर। अब 4 का वर्ग कौन होता है? 16। 16 का उल्टा कौन हो जाता है? 4। तो बीसी का मान आपके पास कौन आया? 4 आया। अब देखो, जीवा की लंबाई ज्ञात करना था तो आपको एबी का मान ज्ञात करना था। इसके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा एसी का है, एक हिस्सा बीसी का है। एक हिस्सा एसी का, एक हिस्सा बीसी का है। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। तो क्या करेंगे? 2 हिस्से कैसे निकालेंगे? देखिए, बड़े व्रत की जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना था। तब लिखोगे अतः बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई। तो बड़ा व्रत जीवा की लंबाई, बड़ा व्रत कौन माना है आपने? जीवा की लंबाई। जीवा लंबाई कितनी आपके पास? ए से लेके बी। कौन है? ए बी बराबर। अब आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? जो बी सी आया है ना, यहां आपके पास बी सी का मान कितना आया है? 4। बीसी का मान कौन आया? 4। तो यहां बीसी का मान 4 आया है, तो एसी का मान कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? यहां समकोण त्रिभुज का मान जो आएगा ना, वही समकोण त्रिभुज का मान यहां आएगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इस साइड समकोण त्रिभुज बना सकते हो, घर पे आप कर सकते हो,
ओ सी भी समकोण लोगे ना, ओ सी भी समकोण लोगे तो भी पांच आंसर आएगा, सॉरी चार आंसर आया था, ओ सी बी इस वाले समकोण त्रिभुज से करोगे तो भी चार आंसर आएगा, और ओ सी ए इस सर्व समकोण से करोगे तो भी आपका आंसर चार आएगा। तो कोई सा भी समकोण त्रिभुज निकाल सकते हो, ओ सी बी समकोण निकालो या ओ सी ए समकोण निकालो, कितना आएगा चार आएगा। तो आपने क्या करा, बी सी का मान निकाला है तो ए सी का मान कैसे आएगा, डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल, किसमें कर देंगे बी सी में। तो बड़े व्यास के जीवा की लंबाई ए बी माना है दो का इंटू, डबल क्यों करा, एक हिस्सा जे रहा और एक हिस्सा जे रहा, तो पहले हिस्से का मान आ गया, दूसरे हिस्से का मान निकाल लिखा कर देते हैं डबल कर देते हैं। तो दो इंटू कौन लिखा मैंने बीसी, बीसी का मान आया था कौन लिखा दो इंटू बीसी, दो का दो इंटू का इंटू, बीसी का मान कौन आया है चार, तो बीसी का कौन लिख दोगे चार, दो इंटू चार कितना हो जाता है आठ सेंटीमीटर, यानी बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई कितनी है अपने पास आठ सेंटीमीटर। वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।